अभी हम चले पड़े हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने देवी देवता जो है आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। तो सब खाली 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 लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे होंगे गाइज। तो गाइज हम अभी चल पड़े हैं यहाँ से, हम बस सीट भी मिल चुकी है और बस पूरी की पूरी खाली खाली है गाइज। पूरी हमारी गुड मॉर्निंग, तो कैसे मिट करती हूँ, मस्त होंगे आप सब। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं जोगिंदर नगर से, अभी मैं हूँ पार्क में। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ जोगिंदर नगर, और यहाँ पर आप लोगों ने देखे होगा स्टोरी स्टेटस में अभी, तो यहाँ पर जो है मेले हो चुके हैं स्टार्ट पिछले कल से, अभी चलेंगे ये 5-6 तारीख तक। तो गाइस आज मैं आपको घुमाऊँगी जोगिंदर नगर का पूरा मेला। तो यार गाइस अभी मैं आपको यहाँ का व्यू वगैरह बताती हूँ आप लोगों को। देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, एकदम मस्त वाला नज़र आ रहा है। और यहाँ से देख सकते हो दुकानें लगी हुई है, बट अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को गाइस। तो देखना तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मुझे लगा पहले तो ये, बट यहाँ तो 3-4 हो गए गाइस, देख सकते हो नाच रहे हैं बहुत ही मस्त तरीके से। अभी हम चले पड़े हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने देवी देवता जो है आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। आधे जो है देवी देवता वो गए हैं देवली करने। तो दोस्तों इतनी सारी देवियाँ देवता जी हैं यहाँ पर, और शायद ये आधे होंगे, इससे ज़्यादा आते हैं वैसे, बट वो अभी यहाँ पर नहीं है मौजूद। लेकिन दुकानें सारी की सारी, और वो रहा सामने झूला, और यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम, मतलब कल से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो आधी दुकानें ही लग रही है। चल चल चल, तो देख सकते हो वैसे है भीड़ बट इतनी भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पे रस्सा कसी का मस्त वाला मैच हो रहा है, देख सकते हैं महिला मंडल वाली है ये, पर कौन सी है मेरे को ये पता नहीं है यार, बाकी इतनी जनता हो चुकी है यहाँ इकट्ठा। अभी चलेगा मस्त वाला मैच, और दुकानें इतनी सी ही है। तो गाइस नीचे हम बोर हो रहे थे, तो अभी हम चल पड़े कॉलेज ऐसे ही घूमने, पढ़ने तो जाना नहीं क्योंकि हमारे तो क्लासेस लगती नहीं है यहाँ पर। आज हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं कॉलेज, और कॉलेज भी सुना सुना ही, पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह खाली खाली सब नज़र आ रहा है यार। देखो यहाँ भी सब खाली खाली नज़र आ रहा है, और नीचे मेले में भी खाली खाली सही नज़र आ रहा था, तो सब खाली 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 लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे होंगे गाइज। अभी भीड़ आना स्टार्ट अब लग रहा है, थोड़ा बाई बार ये कि मेला लगा है, पहले तो ऐसा लग रहा था कॉलेज में एग्जाम चले हुए वैसे आ रहे थे, बाकी इतनी सारी शॉप्स लग चुकी है यहाँ पर। बाकी गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ से यहाँ देखो दोनों इतनी सारी शॉप्स लग चुकी है यहाँ पर, ये सामान है। चल गाइज यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, चुप हो, यहाँ से भी लगी हुई है काफी सारी दुकानें, देख सकते हो इतनी सारी दुकानें लगी है, इस साइड को मिठाई वाली और इस साइड को कपड़े खिलौने वगैरह सब कुछ। बाकी वो रहे नीचे देवी देवता जी वहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ पे
रखा है उनको। और फिर वो रहा एसटीएम ऑफिस, उसके सामने ये सारी दुकानें। और आज हम तीनों ही घूमे हुए हैं पूरा दिन, कल आएंगे सब, कल आएगा और ज़्यादा मज़ा। गाइस सामने से जा रही है दो तीन देवियाँ। तो गाइस अभी हम पार्क पहुँच चुके हैं दोबारा से, और यहाँ का नज़ारा इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ देखो पढ़ रहा है, लड़के का पेपर है आज, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। यहाँ पे लाइव देखा जा रहा है जिसमें हमें गलुगरी देवता जी नज़र आ रहे हैं। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है गाइस। दोस्तों सामने से जा रहे हैं एक और देवता जी, सूत्रधारी ब्रह्मा जी देवता। गाइस हम बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से दिख रहा है हमें थोड़ा थोड़ा। गाइस अभी हम चल पड़े बस स्टैंड के लिए यहाँ से होते हुए, और वहाँ लोग गाने गा रहे हैं जिसकी समझ हमें नहीं आ रही है। बाकी गाइस यहाँ प्रोग्राम चले हुए हैं। तो गाइस हम अभी चल पड़े हैं यहाँ से, हम बस स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ से हमें बस पकड़नी है। हमें यहाँ करना पड़ रहा है बस का वेट, अभी बस नहीं आई है हमारी गाइस। सीट भी मिल चुकी है और बस पूरी की पूरी खाली खाली है गाइस, पूरी हमारी बस। आज हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि हम तीन चार ही लोग थे, हमें मेले में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था इसीलिए। लेकिन कल हम देर से जाएंगे और कल का व्लॉग बहुत ही मस्त होगा गाइस। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, अभी मिलती मैं आपको घर जाकर, घर पहुँच कर मतलब से। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर के नीचे, और देख सकते हो धूप भी एकदम मस्त वाला रह चुका है यहाँ पर। बाकी घर जाके मुझे बनाना है खाना, क्योंकि मुझे रास्ते में मम्मा मिली थी, मम्मा जा रही थी आलू भेजने के लिए, तो मुझे बोला कि खाना वगैरह बना के रख देना। तो गाइस अपनी इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो न्यू है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी गाइज मिलते हैं कल के मस्त वाले ब्लॉग में, कल हम सब जाने वाले हैं जोगिंदर नगर के मेले में, तो सबके साथ जो मस्ती होती है वो अकेले अकेले कुछ खास नहीं होती, तो इसलिए मिलते हैं हम कल।